आज हम चल रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर जिले के ख्याला मठ माजलियार, जो कि फतेहगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में हो रहे गुरु गोरखनाथ जी के स्वागत धूमधाम से, जहां थार पाकर तथा सिंध प्रांत में गुरु के आदेश उपरांत बहुत ही मन हजूरी हो रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग गुरुदेव का स्वागत अभिमान जोरों से कर रहे हैं। आज हम दिखाते हैं ख्याला मठ के मरु तपोभूमि के बारे में और बताते हैं यहाँ की दास्ता। आध्यात्म प्रवर्त भारतीय संस्कृति के नवनाथ व 84 सिद्धों में सुदृढ़ परंपरा रही है। नाथ पंथ के गोरखनाथ जी बड़े कारामती सिद्ध योगी हुए। नाथ पंथियों के 12 शाखाओं में शिव और शक्ति दोनों रूप में पूजा होती है। वीरनाथ जी ने घाट क्षेत्र सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर रताकोट मठ का स्थापना की। महंत सहजनाथ जी जैसलमेर पधारे, वहाँ पर उन्होंने चमत्कार दिए। विक्रम संवत 1885 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन जैसलमेर महारावल गज सिंह के आग्रह पर ख्याला नामक स्थान पर अपना धोना स्थापित किया, जो कि माजलियार के पास स्थित है। नाथ गुरुओं के चमत्कारों व पर्चों के कारण मठ सर्वधर्म जाति समुदाय का आस्था केंद्र बना। यहाँ पर हिंदू मुसलमान और सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग पधारते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सिंध पाकिस्तान तथा गुजरात के लोग यहाँ पर आते हैं। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान नाथ सिद्धों के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध रहा। गादीपती को रड़ाव गांव सिंध के बेरसी सोडा परिवार मुकुट पहनाते हैं, जो कि सोने का बना हुआ मुकुट होता है। चमत्कारी नाथ सिद्धों की जीवित समाधियों का पवित्र स्थल रहा है। वर्तमान में चमत्कारी श्री 1008 गुरु गोरखनाथ जी ख्याला मठ के 17वें गादीपति है और इनके महाशिवरात्रि को शानदार मेला भरता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। देख रहे हो शिव जी का मंदिर बना हुआ है, पार्वती जी के साथ में मूर्तियां लगी हुई है और शिवलिंग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो Thank you.